8 ये कोई नंबर नहीं है, ये भारतीय क्रिकेट के 3 सुपरस्टार की वनडे रैंकिंग है। अब आप सोचेंगे 3 सुपरस्टार, चलिए मैं बताता हूँ। ये 3 सुपरस्टार अमर अकबर एंथनी नहीं बल्कि विराट, सुमन और रोहित शर्मा है। यहाँ ये तीनों बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया है, एक साथ ODI रैंकिंग को अपने नाम तो किया ही बल्कि रैंकिंग के टॉप तक पहुंचने में भी इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। सुमन गिल 823 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर में, विराट कोहली 747 पॉइंट के साथ छठवें और रोहित शर्मा 725 पॉइंट के साथ आठवें नंबर में है। लेकिन अब तो भैया ये तीनों ही टॉप रैंकिंग में पहुंचने के लिए एक दूसरे से जंग चालू कर दिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने ऐसी शुरुआत की कि सारी टीमों के पसीने ही छूट गए और इसकी वजह ये तीनों सलामी बल्लेबाज हैं। हालांकि हम गेंदबाज को नहीं देख रहे, वो तो भारतीय टीम का एक अलग ही पहलू है, लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और सुमन गिल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते जा रहे हैं, वो लगातार रन बनाते जा रहे हैं। सुमन गिल हालांकि 2 मैचों में डेंगू के कारण वो मैच नहीं खेल पाए थे, इसके बाद जब वो आते हैं तो 16 रन और इसके बाद अगले मैच में 50 रन मारकर अपनी वर्ल्ड कप की पहली 50 मारते हैं। लेकिन विराट कोहली की बात की जाए, विराट कोहली शुरू से एक अग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी आपने देखा होगा किस कमाल से विराट कोहली खेल रहे थे। रोहित शर्मा आपने देखा होगा कि पहले ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हालांकि वो 0 में आउट हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआत की बल्लेबाजी को देखा नहीं, उन्होंने देखा कि मैं किस तरह रन बना सकता हूँ। लगातार रन बनाते हुए रोहित शर्मा जो अभी वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा रन बनाने में, विराट कोहली दूसरे नंबर पर है। लेकिन इसकी बात की जाए जहाँ 11वें और 12वें नंबर पर ये खिलाड़ी ODI रैंकिंग में थे वर्ल्ड कप से पहले, आज वो 6वें और 8वें स्थान पर है। तो क्या लगता है आपको कि सुमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, हालांकि सुमन गिल तो बाबर आजम के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, केवल 6 पॉइंट्स दूर हैं बाबर आजम के रिकॉर्ड को लेकर, इसके बाद जो अगला मैच इंग्लैंड से खेलेंगे तो शायद वो नंबर 1 ODI के बल्लेबाज बन जाए, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या तोड़ पाएंगे क्विंटन डी कॉक का रिकॉर्ड, डेविड ऑर्नर का रिकॉर्ड? डेविड ऑर्नर की बात की जाए तो 6वें नंबर पे वो भी हैं, पॉइंट्स 1 है, 5वें नंबर पे हैं। क्या विराट कोहली डेविड ऑर्नर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।